गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग ड्रग इंटरेक्शन जो चैप्टर प्रीवियसली मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैं आपके सामने फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन का जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म ये मैं फिनिश कर चुकी हूँ। उसके ड्रग इंटरेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग एक्सक्रीशन रिलेटेड ड्रग इंटरेक्शन देखने वाले हैं और साथ में ये पोर्शन हमारा कंप्लीट होने वाला है और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरेक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन रिलेटेड टू एक्सक्रीशन ड्रग इंटरेक्शन हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन रिलेटेड ड्रग इंटरेक्शन अंडर द कैटेगरी फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। तो इसमें है हम लोग दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। दो तरीके से कैसे पढ़ने वाले हैं, पहला तो मैंने यहाँ दो क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, चेंजेस इन यूरिनरी पीएच। तो हाँ, हम लोगों ने देखा है कि ड्रग ए और ड्रग बी, अगर ड्रग ए ले रहे हैं और ड्रग बी की एक्शन जो है वो अल्टर हो रही है तब उसको हमने ड्रग इंट्रैक्शन कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन में भी दो तरीके से जो हमारा प्राइमरी ड्रग है उसकी एक्शन अल्टर होने वाली है ड्यू टू दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग बी। तो किस तरीके से अल्टरेशन होने वाला है वो है चेंजेस इन यूरिनरी पीएच। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो यूरिन का पीएच चेंज करने वाले हैं, तो उनको बोलते हैं हम यूरिनरी एसिडिफायर्स, ऐसे एजेंट्स जो यूरिन को एसिडिटी की तरफ लेके जाएंगे। और सेकंड हमने यहाँ लिखा है यूरिनरी अल्कलाइजर, ऐसे एजेंट्स जो यूरिन को अल्कलाइन बनाएंगे। तो उनके हम एग्जाम्पल्स दो तरीके से वहां पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि कैसे एक्सक्रीशन में और ड्रग इंटरेक्शन हम देख सकते हैं। तो इंटरेक्शन विद यूरिनरी एक्सक्रीशन, कुछ ऐसे एजेंट्स रहेंगे जो एक्सक्रीशन के लिए कम्पीट करेंगे, प्राइमरी ड्रग के साथ में अपना कंपटीशन बताएंगे कि पहले मैं एक्सक्रीट आउट होगा तुम नहीं। तो इस तरीके से पहले मैं ये पोर्शन आपके सामने लेने जा रही हूँ, इंटरफेरेंस विथ यूरिनरी एक्सक्रीशन। तो यहां पर प्राइमरी ड्रग, इसको बोलते हैं हम कंपीटिंग ड्रग, और ये है उसका रिजल्ट, किस तरीके से वो आपको रिजल्ट दिखाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर कोई भी ड्रग, ये हमारा प्राइमरी ड्रग है और यहां पर हम दे रहे हैं कंपीटिंग ड्रग, ये सेकंड ड्रग है, पहला ड्रग क्या लिया था इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन जब भी आप लेते हैं और उसके साथ में अगर प्रोबेंसिड लिया, प्रोबेंसिड जो है एंटी गाउट के समय ले जाने वाली ड्रग है, अगर इसको इसके साथ में लिया तो प्रोबेंसिड क्या करेगा, कंपटीशन करेगा विद इंडोमिथासिन फॉर द एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से प्रोबेंसिड तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा लेकिन इंडोमिथासिन जो है वहीं पर रहेगा, और वहां पर रहेगा मतलब किडनी में रहेगा तो शांत रहेगा क्या, नहीं, वहां पे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सिमिलरली केस हम सैलिसिलेट्स के साथ में देखते हैं, सैलिसिलेट्स जो है वो पेन किलर में आते हैं, इंडोमिथासिन भी एनसेड्स में ही आता है, मतलब पेन किलर की क्लास का ही ड्रग है, इसमें भी प्रोबेंसिड अपनी वहां पर जो भी कंपटीशन करता है सैलिसिलेट्स के साथ में, और सैलिसिलेट की टॉक्सिसिटी डेवलप कर देता है। सैलिसिलेट की टॉक्सिसिटी कोई आम बात नहीं है, स्टमक में भी अगर सैलिसिलेट वहां पर रहेगा तो अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पीएएस, इसका फुल फॉर्म है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, क्या बोला मैंने, पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। यहां पर भी प्रोबेंसिड का वहां पर हमको कंपटीशन दिखने वाला है अगेंस्ट दिस पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, और उस वजह से पीएएस की क्या करने वाली, टॉक्सिसिटी। जो भी ड्रग पहले एक्सक्रीट आउट होगा वो एक्सक्रीशन अपना खुद का करवा लेगा, दूसरे को वहां पर रखने वाला है बॉडी में ही या किडनी में ही, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में ही, और वहां पर उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप होने वाली है। साथ ही मीथोट्रेक्सेट एंटीगैसियस ड्रग है, सल्फोनामाइड कंपीट करेगा विद दिस मीथोट्रेक्सेट एंड इट विल लीड्स टू बोन मैरो सेपरेशन नाम का साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट है डिगॉक्सिन जो है कार्डियोटोनिक ड्रग है, मैंने आपको उसके पहले भी कई बार डिगॉक्सिन का एग्जाम्पल पढ़ाया है, जब कभी भी स्पायरोलैक्टिन लिया जाता है, स्पायरोलैक्टिन डायबिटिक्स की क्लास का ड्रग है, ये इसके साथ में कंपीट करेगा, डिगॉक्सिन को एक्सक्रीट आउट नहीं होने देगा, जिस वजह से डिगॉक्सिन का क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्लाज्मा लेवल ऑफ डिगॉक्सिन विल अल्टीमेटली लीड्स टू डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया ऐसे एग्जांपल्स जो कंपीट करने वाले हैं विद द प्राइमरी ड्रग, ये सारे हमने क्या देखे, ये प्राइमरी ड्रग है और ये इसके साथ में कंपीट करने वाले हैं, पहले ये एक्सक्रीट आउट होंगे इसको वहां पर रहने देंगे और इसकी टॉक्सिसिटी यहाँ पर बढ़ने वाली है। नाउ अभी जो मैंने बताया कि यूरिन को एसिडिफायर्स करने वाले, यूरिन को अल्कलाइजर करने वाले, ये दो चार्ट्स आपके सामने बताने जा रही हूँ। तो यूरिनरी एसिडिफायर्स को सबसे पहले देख लेंगे, ऐसे एजेंट्स जो क्या करेंगे,
यूरिनरी एसिडिफायर्स, यूरिन की एसिडिटी बढ़ जाने से वहां पर एक्सक्रीशन डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो कौन से ड्रग्स है जिसमें एक्सक्रीशन उनका डिक्रीज हो जाता है यूरिन की एसिडिटी होने से, ठीक है। अगर यूरिन एसिडिक होगी तो ऐसे कौन से ड्रग है जिनकी एक्सक्रीशन वहां पर डिक्रीज होने वाली। पहला है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी होता है। फिर पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड PAS, जो भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कैल्शियम क्लोराइड, फिनाइलबुटाजोल, अगेन एनसेड सी क्लास का एंटी इंफ्लामेटरी क्लास का ड्रग है, अमोनियम क्लोराइड, कई सारे एक्सपेक्टोरेंट में ये कंटेंट पाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ 5 एग्जांपल देख लिए है जो यूरिन एसिडिक होने की वजह से खुद का एक्सक्रीशन डिक्रीज कर देती है, ठीक है। नाउ सेकंड हम देख रहे हैं ड्रग्स हूज एक्सक्रीशन इंक्रीजेड, ऐसे कौन से ड्रग है जो एक्सक्रीशन फास्ट हो जाते हैं बाय दिस। तो यहां पर हम देख रहे हैं एम्फिटामिन, यूरिन अगर एसिडिक हुई तो एम्फिटामिन का एक्सक्रीशन फास्ट हो जाएगा, जिस वजह से उसका डिजायर्ड एक्शन नहीं मिलेगा, ये समझ में आना चाहिए आपको। और फेनफ्लुरामाइड, क्यूनिडीन और प्रोपेनामाइड, ये सारे जल्दी से बॉडी से निकल जाएंगे अपना डिजायर्ड इफेक्ट दिए बगैर। और सिमिलरली ये ड्रग्स बॉडी में एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे डिजायर्ड इफेक्ट मिलने के बाद भी, तो यहाँ पर ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, ये एक्सक्रीशन का फंडा है। नाउ सेकंड, ये जो कैटेगरी है यूरिनरी अल्कलाइजर, ऐसे कौन से एजेंट है जो यूरिन को अल्कलाइन कर देते हैं और कुछ ड्रग का एक्सक्रीशन डिक्रीज कर देते हैं। तो एसिटाजोलामाइड डायुरेटिक है, पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बफर्स है जो अगर वहां पर यूरिन का पीएच अल्कलाइन हो रहा है तो इनका एक्सक्रीशन जो है डिक्रीज हो जाएगा और इससे रिलेटेड वहां पर आपको जो अफेक्ट साइड इफेक्ट्स है वो नजर आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं ड्रग्स हूज एक्सक्रीशन एनहांस होना या इंक्रीज होना एक ही बात है। अगर आप कुछ ड्रग्स ले रहे हैं और उस वजह से अदर ड्रग जो है वो यूरिन का पीएच अल्कलाइन कर देती है तो वहां पर उसका एक्सक्रीशन बढ़ने वाला है, जैसे कि सैलिसिलेट, बार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है, इसका डिजायर्ड इफेक्ट मिलना चाहिए, अगर ये जल्दी से एक्सक्रीट हो गई तो बॉडी को इफेक्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली फिनोबार्बिटोन और बार्बिटोन सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्लास के ड्रग है, इनका भी इफेक्ट मिलना जरूरी है, लेकिन यूरिन अल्कलाइन हुआ तो ये बिना अपना असर दिखाए एक्सक्रीशन के लिए प्रोन हो जाते हैं और इनका फास्ट एक्सक्रीशन हो जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने ड्रग इंट्रैक्शन जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें स्पेसिफिकली मैं आपको फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन पढ़ा रही थी, उसमें लास्ट पोर्शन जो था एक्सक्रीशन का वो मैंने आज खत्म कर दिया है। एग्जाम में कभी भी आपको एक आधी बीट पूछते हैं, पूरा का पूरा आंसर लिखने के लिए नहीं आता, अगर एक्सक्रीशन के पर्पज से पूछा जाए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू।